आएंगे। गुज़िश्ता रोज सेवन शरीफ में होने वाले धमाके के बाद कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की सिक्योरिटी रेंजर्स ने संभाल ली है। साथ ही रेंजर्स ने वहां पर पहुंचते ही सीसीटीवी कैमरों का भी मुआयना किया है। कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज समीर कुरैशी से। समीर कुरैशी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोशिश करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज समीर कुरैशी से हमारा रब्ता बहाल हो सके ताकि उनसे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जान सकें। गुज़िश्ता रोज़ सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर होने वाले धमाके के बाद कराची में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बिलखसूस अगर बात की जाए अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तो वहाँ की सिक्योरिटी रेंजर्स अहलकारों ने संभाल ली है। इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ समीर कुरैशी से। समीर कुरैशी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस वक्त अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की सिक्योरिटी के क्या इकदाम देख रहे हैं? ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की सिक्योरिटी को बाकायदा तौर पर रेंजर्स ने संभाल लिया है। सानिया सेवन के बाद जो है कराची शहर में भी सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं, खुसूसन दरगाहों पे, और जहां सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती है वहां उस इलाके की दरगाहें जो है वो बंद कर दी गई हैं। जिस तरह अगर सिक्योरिटी में देखे जाए कि नूरी शाह बाबा की मज़ार है जहाँ पर हजारों अकीदतमंद जो है वो रोजाना आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे नहीं थे जिसके बायस जो है वो दरगाह को बंद कर दिया गया है। जबकि इसी तरह सोल्जर बाजार और दीगर इलाकों में भी जो दरगाह है वहाँ पर बिल्कुल दरगाहों को बंद कर दिया गया है। जबकि अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर जो है वो वहाँ पर हजारों अफराद का रोजाना आना जाना होता है जिसके बायस वहाँ की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर रेंजर्स ने संभाल ली है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के सिक्योरिटी रेंजर्स अहलकारों ने संभाल लिया है, जबकि वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों का भी मुआयना किया है। बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया।